कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है और आज मैं आपको इकोनॉमिक्स की कैप्सूल पार्ट वन बताने जा रहा हूँ। इसमें वन लाइनर्स क्वेश्चन होंगे और जितने भी टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स के वो सारे जो भी वन लाइनर के तहत आपको बताए जाएंगे, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जो कि जिनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है आप ज़रूर इसको अच्छे से एक बार देख लें और सुन लें। एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आने की भरपूर संभावना है, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर और गरीबी, पूंजी का अभाव, जनसंख्या का भार, कृषि पर निर्भरता, औद्योगिक पिछड़ापन, श्रम उत्पादकता का निम्न स्तर, तकनीकी का अभाव, बेरोजगारी, द्वैतवादी व्यवस्था, आर्थिक असमानताएँ और आर्थिक निर्भरता किन देशों की विशेषताएं हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, अल्प विकसित देश जो कि अल्प विकसित हैं या इनको हम विकासशील भी बोल सकते हैं, उनकी ये सब समस्याएं होती हैं या उनकी विशेषता आप बोल सकते हैं। बेरोजगारी है, कृषि पर निर्भरता है, औद्योगिक पिछड़ापन, ये सब इसे मैंने चैप्टर के तहत भी अल्प विकसित देश के बारे में बताया था। आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार, आर्थिक असमानताओं की कमी, गरीबी निवारण और आधुनिकीकरण के ये जो किसके मुख्य उद्देश्य हैं, ये सारे उद्देश्य भारत में विकास आयोजन के हैं, ठीक है, विकास आयोजन के हैं। विकास आयोग होना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक है, विकास भारत में विकास आयोग के हैं। भारत में आयोजना के इतिहास का शुभारंभ कब किया गया? तो 1951 से। वर्ष 1934 ईस्वी में सर एम विश्वेश्वरैया ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? तो 1938 में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 ईस्वी में किया गया था। सन 1944 में मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपति ने एक सूत्रबद्ध योजना प्रस्तुत की, उसका नाम क्या था? तो बॉम्बे प्लान। उसका नाम क्या था? बॉम्बे प्लान, याद रखना है आपको, बॉम्बे प्लान था उसका नाम। उसके बाद 1944 में भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग खोला, इसके कार्यकारी सदस्य कौन थे? तो सर आरदेशिर दलाल। कौन थे? सर आरदेशिर दलाल। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर 1944 में एक योजना निर्मित की गई जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना जाता है, इसके निर्माता कौन थे? तो श्री मन्नारायण। कौन थे? तो श्री मन्नारायण। एम एन रॉय ने 1945 में जो एक योजना शुरू की उस योजना का नाम क्या था? जन योजना, पीपुल्स प्लान। क्या नाम था? जन योजना। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम क्या था? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई उनका नाम, उसका नाम था सर्वोदय योजना, जो कि सबसे निचले तबके के विकास की बात करता है। भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग ने अब तक 9 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की है, किंतु उसने अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं लागू की है? ठीक है, तो अब तक 7 वार्षिक योजनाएं लागू की है और 9 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की है, ये याद रखना है। वार्षिक योजना, पंचवर्षीय योजना कई बार क्या होता है कि इकोनॉमिक कंडीशन देश की अच्छी नहीं होने के कारण जो है वर्षीय योजना लाई गई थी, ठीक है, तो वही है, 7 साल अभी तक रह चुका है यह वार्षिक योजनाएं। योजना आयोग एक परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था है, थिंक टैंक है यह। क्या भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने किया था? तो W.W. रोस्टोव ने दिया था। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? तो W.W. रोस्टोव ने दिया था। 1962 के साथ युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध तथा 1965-66 में देश में सुखार पड़ा और यह किस पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण थे? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है मूलतः दोनों मिल करके, जब सरकारी और प्राइवेट,
दोनों मिल करके करते हैं। यहाँ पर देखिए, सरकार की भागीदारी और नियोजन द्वारा निर्देशित बाजार तंत्र के माध्यम से, दोनों मिल करके मिश्रित कहलाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन है। तो संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अभी वर्तमान में क्या है कि कृषि और उद्योग की अपेक्षा जो सेवा क्षेत्र हैं उनका ज़्यादा योगदान है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर पर। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से सुन भी लेंगे तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से, और सारे क्वेश्चंस यही सब से पूछे जाएंगे, यही सब क्वेश्चंस वहाँ दिखाई देगा आपको। इकोनॉमिक्स के तहत कोई नया क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल सब प्रीवियस क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम में। भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण क्या है? कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था है। यह विद्युत और परिवहन, पशुपालन, सूत विनिर्माण और फसलों की खेती में कौन सी तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो विद्युत एवं परिवहन का। ठीक है, विद्युत और परिवहन जो है सेवा क्षेत्र में ही आते हैं। भूमि का लगान, बीमा, प्रभार, मशीनों पर ब्याज, उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल में कौन सी बंधी लागत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल जो है बंधी लागत का उदाहरण नहीं है। किसी आर्थिक प्रणाली में उत्कृष्ट अवस्था से क्या अभिप्राय? स्थिर विकास का प्रारंभ। जब कोई भी आर्थिक व्यवस्था उत्कृष्ट हो जाती है तो वहाँ से जो है स्थिर विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कृषि की प्रमुखता, भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, जनसंख्या का दबाव और प्रति व्यक्ति आय में कमी, कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो भारी उद्योग और मजदूरी के मामले में संतुलन। आत्मनिर्भरता किसका प्रमुख उद्देश्य था? तो छठी योजना का प्रमुख उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। तो प्लानिंग जितने भी हैं योजना आयोग, ये जरूर आप पढ़ लेंगे। बफर स्टॉक, आयात समर्थन मूल्य, लाइसेंस प्रणाली में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो लाइसेंस प्रणाली कृषि मूल्य से संबंधित नहीं है। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो आय, उत्पाद और व्यय में। किसमें किया जाता है? आय, उत्पाद और व्यय में। निर्धनता का निष्कासन निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? तो पंचम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था निर्धनता का निष्कासन निम्न में से किस? तो निर्धनता और गरीबी पांचवी पंचवर्षीय योजना की प्रमुख, गरीबी हटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी की सरकार ने दिया था और ये पंचम पंचवर्षीय योजना की देन है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण होता है मांग और आपूर्ति द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है, पूंजीवादी देश में जो अर्थव्यवस्था की कीमतों का निर्धारण किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है मांग एवं आपूर्ति द्वारा। वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य किस अधिनियम के अनुसार होना चाहिए? तो राज्य सरकारों की केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना। भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ था? तो 1966 ईस्वी से 69 ईस्वी, और यह योजना अवकाश के बहुत कारण थे, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और सुखाड़ इसी दरमियान, लेकिन जो है आपके हरित क्रांति भी होते हैं। तो भारत में योजना अवकाश 1966 से 69 प्रथम योजना अवकाश कहा जाता है। किसके द्वारा भारत में आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है? तो CSO के द्वारा, CSO के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण भारत में जो है प्रकाशित किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने का अधिकार किसको है? तो वे सभी जो कि 65 वर्ष के ऊपर हैं और गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, उन सभी को वृद्धा पेंशन योजना के तहत जो है अधिकार है। कृषि की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेथी आंदोलन किस प्रदेश की महिलाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश। किसके द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि औद्योगिक विकास का किया गया था, तो PC महलनोबिस, भारी उद्योग लगाए गए थे। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो संवर्ती सूची का। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास NABARD की स्थापना 1975 में हुई थी और यह छठी पंचवर्षीय योजना की देन है। ठीक है, ये याद रखना है। सब्सिडी भुगतान, रक्षा व्यय और पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय में क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? तो ब्याज भुगतान तथा पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का
अनुरक्षण व्यय। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। तो आज मैं लगभग आपको 200 के आसपास, 100-200, लगभग 100-150 के आसपास वन लाइनर कर दूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो बस आप इसको सुनिए और देखिए, यही सब क्वेश्चंस रहेंगे शायद आपके एग्जाम में, यहाँ से आएंगे तो आप, मुझे लगता है कि आप बना लेंगे। बस सुन लीजिए एक बार। भारत में कुल कृषि का कितना प्रतिशत मानसून पर निर्भर रहता है? तो भारत में कृषि का टोटल 64%, लगभग 60% के आसपास जो है मानसून पर ही निर्भरता रहती है। मानसूनी वर्षा कब होती है? तो जून से सितंबर महीना में मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। केंद्र द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1974-75 में। उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? तो उर्वरक मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास। राष्ट्रीय जल नीति कब शुरू की गई? तो 1987 में राष्ट्रीय जल नीति घोषित की गई। भारत में मुख्यतः 2 प्रकार की फसलें होती हैं, वह कौन कौन सी फसल हैं? तो रबी और खरीफ फसल हैं। रबी फसल जो ठंड महीने में बोई जाती है, और खरीफ फसल जो है वो जो है गर्मी के महीने में बोई जाती है। रबी के फसल अक्टूबर में बोई जाती है, और खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो जुलाई माह। ठीक है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की जोते हैं? तो सीमांत जोते हैं, यानी छोटे आकार की जोते हैं, सीमांत जोते हैं उनको बोलते हैं जो कि 2 हेक्टेयर से कम है। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना वाणिज्यिक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त ऋण को सुसाध्य बनाने के लिए कब शुरू की गई? तो 1998-99 में KCC जो आपको लोन दिया जाता है वो 1998-99 से यह शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व स्तर की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग थे, जबकि भारत स्तर पर MS स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1967-68। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को मिला? तो जिसमें कि उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि हुई, तो गेहूं। ठीक है, उत्पादकता होता है प्रति हेक्टेयर, उत्पादन टोटल मात्रा। हरित क्रांति का लाभ किस फसल को नहीं पहुंचा? तो दाल को नहीं पहुंचा, और इसमें कमी आ गई थी। हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः किस राज्य को मिला? तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला। बिहार भी इससे छूट गया था, पीछा रह गया था। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड क्या कहलाता है? नेफेड। क्या कहलाता है? नेफेड। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को सतत रूप से जारी रखने के लिए किस ट्रेडिंग को प्रारंभ किया गया था? तो फ्यूचर ट्रेडिंग। किसको? फ्यूचर ट्रेडिंग को। कृषि वित्त के 2 स्रोत कौन से हैं? तो संस्थानिक और गैर संस्थानिक। कृषि वित्त के 2 स्रोत हैं, संस्थानिक और गैर संस्थानिक। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को साख प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, भारत सरकार के, किसके द्वारा? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति की योजना कब बनाई गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। योजना आयोग की स्थापना की गई संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व दर्जा दिया गया है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान उनको दर्जा दिया गया है। भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। गेहूँ के लिए एक समर्थक मूल्य MSP जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, व्यवस्था करने का मुख्य उद्देश्य एक सीमा तक मूल्य में गिरावट के बाद उस पर अंकुश लगाना, यानी उससे कम के मूल्य पर उस वस्तु की बिक्री ना करना। ठीक है, अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस वन लाइनर अगर आप कर लेंगे तो आपका जरूर यहाँ से क्वेश्चंस 50% जरूर आपके एग्जाम में यहाँ से उम्मीद है कि पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? तो सरकार द्वारा अंतरण भुगतान पर। अज्ञात प्रचलन का अभिप्राय अस्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य की हानि है, इसका कारण क्या है? उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन। क्या है? उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन। किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय से ही उसके देश का जीवन लिविंग जो है लेवल पता चलेगा, जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय से।
किसी देश की आर्थिक वृद्धि के निर्धारण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारित संरचना को घटकों में क्यों आते हैं, क्या आते हैं? तो सामाजिक आर्थिक होना चाहिए था, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य नागरिक सुविधाएं। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। NSSO असंगठित क्षेत्र का डाटा NSSO, CSO, ASI, RBI में से कौन सा संगठन एकत्र करता है? तो NSSO क्या असंगठित क्षेत्र का है, जो कि यह जो है बेरोजगारी रिपोर्ट भी देती है NSSO। उसके बाद है, अब बात करते हैं जो नया टॉपिक है, राजकोषीय व्यवस्था। ठीक है, उत्पाद शुल्क कर क्या होता है? तो वस्तुओं के उत्पादन पर जो लगाए जाते हैं कर, वही उत्पाद शुल्क होते हैं। भारतीय वित्तीय वर्ष निम्न में से किस तिथि से प्रारंभ होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप मार्च क्लोजिंग नाम सुनते होंगे, तो यही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। सकल घरेलू GDP उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP के बीच में क्या अंतर है? तो बस GDP और GNP में हम विदेश से शुद्ध घटक आए को घटा देते हैं, वही अंतर है आपका। प्रतिफल वक्र का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण अंतर बैंक या बैंक उधार दरें होती हैं। केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय धारण निर्दिष्ट करता है कुल राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच का अंतर, जितना आय हुआ और जितना व्यय हुआ उसका अंतर। लाफर्स वक्र रेखीय प्रस्तुतिकरण करता है क्या चीज का? तो औसत की दर और कुल का राजस्व का। ठीक है, कुल राजस्व कर का तथा औसत दर का रिप्रेजेंटेशन करता है। टोविंस जी से आप क्या समझते हैं निवेश और स्टॉक मार्केट के बीच संबंध? गिनी नियतांक, गिनी सूचकांक आप सुने होंगे, निश्चित करने के लिए की जाती है आय विवरण की समानता। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, बेरो रिकार्डो इक्विलेंस प्रोपोजिशन किसके बारे में है? तो बॉन्ड जारी करके कराधान से सरकार के घाटे को वित्त पोषण। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? राष्ट्रीय आय। जिस राष्ट्र का आय जितना अधिक होगा उसकी समृद्धि भी उतना ही अधिक होगा। सुमेलित युग में है तो बिक्री कर राज्य सरकार, आय कर केंद्र सरकार, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार का है और चुंगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर परिषद, नगर पालिका। सत्य कथन है, निगम कर और सीमा शुल्क केवल संघ के पास जाते हैं। निगम कर और सीमा शुल्क किसके पास जाते हैं? तो संघ के पास जाते हैं। विभिन्न राज्य सरकारों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए भारत सरकार से ऋण लेने की अनुमति है। वर्तमान में ऐसे ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर क्या है? तो 10.5%। ठीक है, करारोपण सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर और सार्वजनिक ऋण से कौन सी एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर इसमें से जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ठीक है, चलिए अब फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निगम कर, आयकर, संपत्ति कर और दान कर, प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है? तो निगम कर से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। औसत राजस्व का अर्थ है बेची हुई सीमांत इकाई से प्राप्त राजस्व, बेची हुई सीमांत इकाई से प्राप्त राजस्व। आर्थिक लगान से क्या आश्रय है? श्रम के उपयोग के बदले किया गया भुगतान, श्रम के उपयोग के बदले किया गया भुगतान। किसी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में संतुलित कहा जाता है जब अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है। बुक बिल्डिंग क्या है? विशेषतः निविदाओं के माध्यम से प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव ऑफर के लिए अभिदान आमंत्रित करना। विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना, दूरसंचार और ऑटोमोबाइल उद्योग में से किसमें किए गए निवेश का आधारिक संरचना में निवेश नहीं माना जाता? तो ऑटोमोबाइल उद्योग, याद रखना है आपको ऑटोमोबाइल उद्योग। निवेश किसके बराबर होता है? तो सभी प्रकार के वस्तुपरक पूंजी परिसंपत्तियों का सकल योग। ठीक है, तो इस प्रकार अब है क्वेश्चन
दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में किसकी स्थिरता बनाए रखने का प्रस्ताव होता है? तो अप्रत्यक्ष करों की दरों को, ठीक है, अप्रत्यक्ष करों की दरों को। निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए खपत निवेश सरकारी व्यय और आय में किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है? तो खपत में, ठीक है। घाटे की वित्त व्यवस्था का साधन है राजकोषीय नीति, ठीक है। आय निर्धारण के सिद्धांत में फैक्ट्री का निर्माण, कंप्यूटर, अन्य बिकी वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि, संयुक्त स्टॉक कंपनी में स्टॉक या शेयर में से किस पर व्यय को निवेश नहीं माना जाता? तो कंप्यूटर पर, ठीक है। अब मूल्यन आयात को प्रतिस्पर्धी, बेलोच, सस्ता और महंगा से क्या बनाता है, ठीक है। अब मूल्यन आयात को प्रतिस्पर्धी, बेलोच, सस्ता और महंगा से क्या बनाता है? तो अब मूल्यन क्या करता है, महंगा बनाता है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय गृहिणियों की सेवाएं, पेंशन, तस्करों की आय और चौकीदार की आय में से किसको शामिल किया जाता है? तो चौकीदार की आय को, ठीक है। मूल्य वर्धित कर भैट क्या है? उपभोक्ताओं पर लगाया गया एक सरल, पारदर्शी, भुगतान करने में आसान कर, ठीक है। उसके बाद भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का क्या होता है, उसकी प्रतिशतता बढ़ती है। भारत में GDP का कितने प्रतिशत जो है शिक्षा पर खर्च होता है? तो 3.1%। स्टील की अधिकतम खपत कहाँ होती है? तो निर्माण क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल में और विमानन क्षेत्र में। DPA, ATF, LPG और मिट्टी के तेल में से किन वस्तुओं को निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता सब्सिडी प्राप्त नहीं है? तो ATF। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का ऋण स्तर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कैसे प्रभावित करता है? तो FDI में गिरावट आती है, ठीक है। देश का ऋण स्तर FDI से कैसे प्रभावित होता है? तो उसमें क्या होता है, गिरावट आ जाती है ऋण स्तर से, ठीक है। चलिए, इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चंस किए और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जरूर, सारे जो भी मैं बताऊंगा इकोनॉमिक्स के पार्ट वाइज, तो उसको जरूर आप देख लेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वन लाइनर इतना करके जाते हैं तो मुझे लगता है क्वेश्चंस आपसे इकोनॉमिक्स के छूटने नहीं चाहिए। बाद में जो PDF मैंने दिया है और जो मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाया है उसको भी आप अच्छे से जरूर देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।